सो एक्चुअली कल मैंने थर्ड पार्ट अपलोड किया था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं था, सो मैंने उसे डिलीट कर दिया. सो वील कंटिन्यू थर्ड पार्ट नाउ. चलो, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोदिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू इज़ डिफरेंट. इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. तो क्या होता है कि लोग सिर्फ क्लोदिंग या ईटिंग हैबिट से ही अलग नहीं है, लोग उनके प्रोफेशन से भी अलग हो सकते हैं. मतलब लोगों के प्रोफेशन में भी डाइवर्सिटी हमें हमें देखने मिलती है. तो किसी अगर आप किसी बड़े सिटी में रह रहे हो या फिर छोटे सिटी में भी रह रहे हो, तो वहाँ के लोग लाइवलीहुड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने घर पे सब्जी उगा के फिर उसे कंज्यूम करते या फिर खाते हैं. ऐसे बहुत कम लोग आपको देखने मिलेंगे. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन. वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख. सो अभी हम केरला और लद्दाख ये दो केस स्टडीज से हम लोग ये सीखेंगे कि हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किसी रीजन को कैसे अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि लद्दाख के बारे में. चलो, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट्स कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स. तो लद्दाख एक डेजर्ट है. डेजर्ट सिर्फ रेत का या फिर सैंड का नहीं होता, डेजर्ट स्नो का भी होता है. ठीक है, तो लद्दाख इज़ ऑल्सो डेजर्ट एंड वो कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है. ईस्टर्न मतलब पूर्व, कश्मीर के पूर्व भाग में है वो लद्दाख. सो वहाँ पे एग्रीकल्चर आपको बहुत कम देखने मिलेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई रेनफॉल होता ही नहीं. हाँ, और वो जो रीजन है वो साल का एक बड़ा टाइम, मतलब साल का ऐसा बहुत सारा टाइम है जिसमें लद्दाख स्नो से कवर होता है. वहाँ पे ट्रीज भी बहुत बहुत कम ग्रो होती है. और वहाँ के लोग पीने के पानी के लिए किस पे डिपेंड है, तो जो स्नो मेल्ट होता है वही पानी वो लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं एंड उसके ऊपर ही वो लोग डिपेंडेंट है. सो पीपल हियर कीप शीप एंड द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. दिस वूल इज़ प्राइज एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर. यहाँ के लोग शीप की रेयरिंग करते हैं और शीप के रेयरिंग से उन्हें एक स्पेशल टाइप का वूल मिलता है. उसका नाम है पश्मीना वूल. इस पश्मीना वूल की प्राइस बहुत बहुत मतलब ये बहुत कॉस्टली होता है, इसकी प्राइस बहुत होती है. तो जो लोग शिप रेयरिंग करते हैं, मतलब शिप को पालते हैं, वो लोग पश्मीना वूल कलेक्ट करके उन्हें ट्रेडर्स के पास भेजते हैं और ट्रेडर्स फिर उसे वुमन मतलब जो गांधी जी सूत काटते थे ना, वैसे ही वो ट्रेडर सूत काट के फिर उसके स्वेटर्स वगैरह बना के उनके ऊपर फिर उनका लाइवलीहुड चलता है. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउज एंड जॉज या काउज. बींग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स. इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज़ मेनी पासिस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू वॉट इज टूडे कॉल्ड तिबेट. दिस कारवांस कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस रॉ सिल्क एंड कारपेट्स. यहाँ पे लोग मीट मतलब जिसे हम लोग हमारे यूजुअल लैंग्वेज में नॉनवेज बोलते हैं ना, हाँ, तो वही यहाँ पे लोग मीट ज़्यादा खाते हैं एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स भी बहुत खाते हैं लाइक चीज़ बटर या फिर मिल्क इटसेल्फ का कंजम्पशन बहुत है. यहाँ के लोग गोट्स रेयरिंग करते हैं, काऊ रेयरिंग करते हैं. काऊ मतलब गाय, गोट मतलब बकरी, और
जोस नाम का एक एनिमल है जो जिसे हम लोग याक काउज ऐसा वहाँ पे एक हिंट दिया है उसे पहचानने के लिए याक काउज। ठीक है, देखो लद्दाख डेजर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे ट्रेडर्स नहीं आते, वहाँ पे भी ट्रेडर्स आते हैं। एंड लद्दाख में बहुत सारे पासेस है, पासेस मतलब तिब्बत जाने के लिए जैसा उसका नाम ही है ना पासेस, तो उस एरिया से आपको पास होना पड़ता है, मतलब उस एरिया से आपको जाना पड़ता है, तो उसे पासेस कहते हैं। तो तिब्बत जाने के लिए लद्दाख से बहुत सारे पासेस हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे पासेस है तिब्बत जाने के लिए, और यहाँ पे जो कारवाज है वो टेक्सटाइल या फिर स्पाइसेस और रॉ सिल्क और कारपेट्स ये सब जाके तिब्बत में ले जाते। ठीक है, सो आगे देखते हैं। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। सो लद्दाख में तिब्बत में बुद्धिज़्म पहुंच गया, वो लद्दाख के रूट से गया, मतलब वाया लद्दाख गया। ठीक है, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। 400 साल पहले लद्दाख में इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था एंड वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से लद्दाख को बहुत पुराना और बहुत रिच ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन मतलब जो ट्रेडिशन या जो कल्चर लिखित रूप में नहीं है, बट वो ओरल मतलब मौखिक, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि मुँह से कोई कल्चर जब भी ट्रांसफर होता है, मतलब गाने या फिर स्टोरीज हैं, है कि नहीं, मौखिक जिसे बोलते हैं हम लोग, हाँ वैसा ओरल ट्रेडिशन बहुत पुराना और बहुत रिच है। तिब्बत के जो लोकल वर्जन्स के तिब्बत के जो नेशनल एपिक है केसर सागा, उसे लद्दाख के लोकल वर्जन में लोग परफॉर्म करते हैं और वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से वो गाया जाता है। ठीक है, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी और वन ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। A number of spices like pepper, cloves, and cardamoms are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. The Apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. So, Kerala, India ke southern tip mein hai. हाँ, अगर आप India ka map dekhoge to aapko सदर्न टिप में मतलब सबसे साउथ में आपको केरला दिखेगा, जो पूरा का पूरा सी से सराउंडेड है। हाँ, केरला क्यों फेमस है? स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स। पेपर मतलब जिसे हम लोग मिरी कहते हैं, मिरी। क्लोव्स मतलब लौंग, एंड कार्डमम मतलब दालचीनी। ये सब यहाँ पे ग्रो होता है। हाँ, स्पाइसेस के वजह से ये रीजन बहुत फेमस है, एंड जो जूश और अरब ट्रेडर्स है वो स्पाइसेस के वजह से ही केरल में आए थे। द एपोसल ऑफ क्रिंस सेंट थॉमस, मतलब ये एक व्यक्ति है, अपोसल ऑफ क्रिस सेंट थॉमस नाम का। वो 2000 साल पहले यहाँ पे आया था और उसने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लाया। सो मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। इब्न बतूता, हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, रोट अ ट्रैवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। यहाँ पे बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए थे। इब्न बतूता नाम का एक व्यक्ति था, वो उसने यहाँ पे ट्रैवल किया और वो 700 साल पहले यहाँ पे आया था। उसने एक ट्रैवलॉग
सो उसने एक ट्रैवलॉग लिखा और यहाँ पे उसने मुस्लिम्स की कंडीशन को डिस्क्राइब किया था। उसने ये कहा कि मुस्लिम्स को तभी हाईली रिस्पेक्ट किया जा सकता, मतलब मुस्लिम वहाँ पे एक बहुत इज्जतदार कम्युनिटी थी। पोर्चुगीज़ ने यूरोप से इंडिया तक आने वाला सी रूट डिस्कवर किया था जो वास्को द गामा के द्वारा डिस्कवर किया गया था। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। केरला में बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है, जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इट्स कॉल्ड द चीना चट्टी एंड इज बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फ्लेश एंड वेजिटेबल्स। सो देखो क्या है कि ये जो चाइना का इम्पैक्ट हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें ये लोग चीना वाला बोलते हैं, तो वो नेट्स एज सेम एज जैसे चाइना में फिशिंग नेट्स यूज होते हैं ना, वैसे ही यूटेंसिल यहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं मतलब फ्राई करने के लिए, जैसे पकोड़ा या पापड़ फ्राई करने के लिए जो यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं चीना चट्टी। हाँ, और ये वर्ड भी शायद चाइना से आया हुआ है ऐसा एक अंदाज है। यहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो राइस के लिए सूटेबल है, तो इस वजह से वहाँ के लोग राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स। द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। देखो केरला एंड लद्दाख बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग है, लोकेशन में अलग है, जैसे कि ज्योग्राफिकल फीचर अलग है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों भी रीजन चाइनीज और अरब ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। और केरला का ज्योग्राफी के वजह से केरला में स्पाइसेस का कल्टीवेशन हुआ और लद्दाख के ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से वहाँ पे वूल का मतलब प्रोडक्शन होता है कि पश्मीना वूल का, और इन दोनों चीज़ के वजह से केरला के डिफरेंट रीजन ने और लद्दाख के अलग रीजन है, लेकिन उनकी अलग अलग रीजन के वजह से उन लोगों ने ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है किसी भी रीजन के कैरेक्टरिस्टिक पर, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विथ ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम्स पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। सिमिलरली इन आवर ओवर नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज, आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टूगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो देखो कि ये जो हमारा डाइवर्स कल्चर है वो सिर्फ पास्ट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट में भी उसका इन्फ्लुएंस हम लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में भी हम लोग ट्रैवल करते नहीं है, ट्रैवलिंग फास्ट हो गया है लेकिन हम लोग ट्रैवल स्टिल करते हैं, ट्रैवलिंग के वेज चेंज हो गए। पहले लोग घोड़े पर ट्रैवल करते थे, घोड़े पर सवार होकर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, अभी लोग कैसे ट्रैवल करते हैं कि अभी लोग फ्लाइट से जाते हैं या फिर कार लेके जाते हैं, बाइक पर जाते हैं। तो लोग जब भी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं तभी अपने रीजन का कुछ कल्चर जाके वहाँ पर शेयर करते हैं, उनके रीजन का कुछ कल्चर वहाँ से जाके अपने रीजन में लेके आते हैं। तो
कल्चर का जो एक्सचेंज है वो आज के ज़माने भी होता है, कस्टम्स और ट्रेडिशन का जो एक्सचेंज है वो आज के ज़माने में भी होता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकोगनाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। वेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वीमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल together and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different, continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो देखो हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ देखा था, ब्रिटिशर्स एरा में, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइट में। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग है, हम इंडियंस, हम रिलीजियस बैकग्राउंड में अलग अलग है, हम कास्ट बैकग्राउंड में अलग अलग है। हालांकि मैं कास्ट को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन हम अलग अलग है, हम कल्चरल बैकग्राउंड में अलग अलग है, हम लैंग्वेज की बैकग्राउंड में वी आर वेरी डिफरेंट, बट स्टिल ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने के टाइम पर हम लोग एक हुए और हम लोग सब साथ लड़े, ठीक है। सो ये शो करता है कि वी आर यूनाइटेड दो वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर हम लोग अलग अलग भी है फिर भी हम एक कॉमन एजेंडा पे हमेशा साथ में आते। तो ये एक कविता दी गई है, ये एक पोएम है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखी गई है। आप इस पोएम को अपने बुक से पढ़ सकते हो। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन्ड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मेनी एंड वुंडिंग इवन मोर। मेन एंड वीमेन, हिंदू सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर ने किया उसे अपोज करने के लिए लोगों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, उसमें सारे जाति धर्म के लोग सब एक साथ आए थे और उन्होंने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो अपने भारतीय लोग शहीद हुए उनके मेमोरी में और उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में ये सॉन्ग वो लोग ने गाया था, ठीक है। चलो, songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. So, kya hota hai ki songs aur symbols jo hai wo kisi bhi country mein ek unity ka sign bante hain, theek hai। India ke flag ka jo story hai वो ये है कि इंडिया का फ्लैग ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए, ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए जो प्रोटेस्ट हुए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनमें एक एज ए सिंबल हमारा फ्लैग यूज़ हुआ था, ठीक है, जो ट्राइकलर फ्लैग हमारा है। सो इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रैदर It was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. Jawaharlal Nehru ne ek The Discovery of India namak book likha tha. Unhone usme ye kaha tha ki इंडिया की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो बाहर से फोर्स नहीं की, वो लोगों ने अपने आप में उसे एक्सेप्ट किया है। हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स को तवज्जो देते हैं, हम लोग उसे एक्नॉलेज करते हैं और हम लोग उसे इनकरेज भी करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का टर्म कॉइन किया था, ठीक है। तो दिस वॉज द चैप्टर। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये जो पांच कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर्स आप अपने बुक में लिखोगे एंड यू विल सेंड इट टू मी टू चेक दैट ऑन टेलीग्राम। मैंने टेलीग्राम का मेरा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आई विल चेक द आंसर्स। और एक बात,
मुझे आपसे ये फीडबैक चाहिए कि ये जो मैं ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ वो डायरेक्टली बुक से करना क्या ये अच्छा है, या फिर मैं उसके नोट्स निकालूँ और समरी डिस्क्राइब करूँ, या उसका जिस डिस्क्राइब करूँ ये अच्छा है? आप जैसा बोलेंगे मैं मेरे वीडियोस वैसे ही कंटिन्यू करूँगा। अगर आप बोलोगे कि इसमें बहुत टाइम जा रहा है, मतलब 20-20 मिनट के 3 वीडियोस है, मतलब एक घंटा एक चैप्टर के लिए अगर जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा आपको लगे तो मैं उसे खुद स्टडी करके, स्टडी तो मैं अभी भी करता हूँ, खुद स्टडी करके नोट्स निकाल के फिर मैं जिस डिस्क्राइब करूँगा उस चैप्टर का। और अगर आपको ये सही लग रहा है कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दो टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये ठीक है तो मैं यही कंटिन्यू करूँगा, जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा। ठीक है, सो बाय बाय फॉर नाउ, राइट दिस क्वेश्चंस एंड सेंड मी द आंसर्स।